क्या याद है तुम्हें जिस तरह से लोकी को हमसे इंट्रोड्यूस किया गया था, तब वो एक विलनिश कैरेक्टर था, लेकिन फिर धीरे धीरे लोकी के बारे में और भी पता चला। इन्फिनिटी वॉर में मरने से पहले ही वो फेवरेट कैरेक्टर बन चुका था, लेकिन अब लोकी सीजन 2 में वो एमसीयू का अब तक का बेस्ट रिटर्न कैरेक्टर के साथ बेस्ट एंडिंग भी। खैर, लोकी सीजन 2 का फाइनल भी आ चुका है, इसमें तो अब लोकी पूरे एमसीयू का सबसे पावरफुल कैरेक्टर बन चुका है कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर के साथ। ये फाइनल एपिसोड स्टार्ट होता है मार्वल के रिवर्स इंट्रो के साथ। इसमें आगे लोकी टाइम स्लिप करके विक्टर टाइमली की स्पेगेटी बनने से पहले पहुंचता है। विक्टर फिर से सब कुछ ठीक करने जाता है, लेकिन नतीजा वही होता है, वो भी टाइम को इस सब का जिम्मेदार मानता है। फिर लोकी टाइम स्लिप कर करके जल्दी जल्दी करने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ नहीं होता। फिर लोकी कोबी से पूछता है कि उसे तुम्हारी तरह सब सीखने में कितना समय लगेगा। कोबी कहता है कि सेंचुरी। फिर लोकी कई सेंचुरी लगाकर सब कुछ सीख कर आता है। इस बार काम तो हो जाता है, मगर थोड़ी देर बाद उन सबको पता चलता है कि टाइमलाइन की ब्रांचेस फिर से बढ़ने लग रही है। फिर उन्हें समझ आता है कि टाइमलाइन तो इनफाइनाइट है, लूम को कितना भी बड़ा किया जाए तो भी टाइमलाइन फिट नहीं होगी। फिर लोकी एक बार टाइम स्लिप करता है जहाँ पर सिल्वी ह्यू रिमेंस को मारने के लिए बढ़ रही थी। वो सिल्वी को रोकने की बड़ी कोशिश करता है, मगर कुछ नहीं हो पाता। सिल्वी को रोकना है तो उसे खत्म करना ही ऑप्शन बचता है। फिर ह्यू रिमेंस सिल्वी को पॉज करता है, फिर उनकी बातों में ये सब उसका ही प्लान था ये रिवील होता है, और साथ ही में लोकी टाइम को स्टॉप करना भी सीख जाता है। ह्यू रिमेंस उसे ये बताता है कि उसके पास दो ही ऑप्शंस है, या तो वो उसके साथ हो जाए या सब खत्म होने दे। पर वो ये भूल गया था कि वो लोकी है। लोकी सबको एक चांस देने के लिए वो लूम को ही डिस्ट्रॉय कर देता है अपनी मैजिक के साथ, और टाइमलाइन में अपने मैजिक के साथ जान डालकर सबको एक साथ पकड़कर टाइमलाइन को बढ़ने देता है ट्री की तरह। ये अब तक का एमसीयू का सबसे अच्छा सीन था। वो सबको फ्रीडम देता है और खुद को अकेला रहकर सबको बचाने का ग्लोरियस पर्पस ढूंढता है, लेकिन वो कैंग पर नजर रखे हुए था। वो ये भी देखता है कि विक्टर को कभी गाइड मिले ही ना, और साथ ही में वो टीवी ए को रिफॉर्म करता है। इस बार टीवी ए वेरिएंट्स को रून नहीं करती, बल्कि कैंग पर नजर रखकर रोकने का काम करेगी। एंटमैन वाले कैंग का भी रेफरेंस हमें इसमें देखने को मिला। खैर, इस टीवी ए में टाइमलाइन को एक ट्री की तरह अब दिखाई जाती है। खैर, कोबी मिस फिनिक्स को रिबूट करता है इस बार अच्छे कामों के लिए, और न्यू टीवी ए गाइड भी लिखता है मोबियस और सिल्वी मोबियस के रियल वेरिएंट को और उसके बच्चों को देख रहे होते हैं, और इनको लोकी ऊपर से सब ऑब्जर्व कर रहा है। और एंड में रवोना भी वॉइड में दिखाई जाती है, वहाँ पर एक पिरामिड होता है। ये शायद कैंग के वेरिएंट रामा टूट का एक हिंट है। ये काफी सैड सी एंडिंग थी लोकी सीजन 2 के लिए। इस तरह से हम लोकी से कनेक्ट हुए हैं ये तो बताने की ही जरूरत नहीं है। फाइनली लोकी को अपना ग्लोरियस पर्पस मिला। इस बार वो सच में ही सब पर राज कर रहा है, लेकिन अकेले होकर अपने दोस्तों को बचाने के लिए उसने क्या कुछ नहीं किया। मार्वल, अब इसका कचरा मत करना और इसका मजाक तो मत ही बनाना। होप करते हैं कि मार्वल ऐसा ही इम्पैक्टफुल शोज में ही नहीं बल्कि मूवीज में भी दिखाए। ये वीडियो यहीं तक। इस चैनल की एक और वीडियो यहाँ पर देखने को मिल जाएगी।